कहे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकार बनने वाला है। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सीधे साधे भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, गुड लुकिंग भी होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। और ये मकान मालिक है, और ये किरदार जो है ये सभी के लिए उसकी भावना जो है, प्रेम की भावना, वो सभी के लिए बराबर है। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है। वो अपने चौकीदार से भी उतना ही प्रेम करता है जितनी अपनी पत्नी से। ये इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती कि ये उसका पति ये कहता है कि वो चौकीदार से भी उतना ही प्रेम करता है जितने अपने पति से। नॉट नाइस, बट सिंपल हाउसवाइफ है। एक महिला संगठन चलाती है जिसका नाम है औरत, और वो हमेशा नारी के सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, धरना देने के लिए तैयार हो जाती है। उसे ये बिलीफ है कि नारी किसी भी प्रकार की हो, कहाँ प्रकार में, प्रकार पे बाद में आऊँगी, बट नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए, फीमेल का सम्मान होना चाहिए। भिंडी भी फीमेल है, चाय भी फीमेल है, चीनी भी फीमेल है। तो ये जो फेमिनिज्म है उसे थोड़ा ज़्यादा आगे तक ले जाती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है बट उसी में ह्यूमर क्रिएट करती है। इनके अगल बगल रहना चाहते हैं सीरियल में, बड़े लविंग बगल में इतना परफ्यूम लगा के रखते हैं कि लड़कियां अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं। आपको जवाब मिल गया, मेरे कुछ बोलने की नौबत ही नहीं है। नौबत ही नहीं जी, डांट रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा। नहीं, एक्सपेक्टेशन के बिना ही जाना बेटर रहता है, क्योंकि ऑडियंस को क्या है कि आप एक्सपेक्टेशन दे देते हैं ना, तो कई बार वो क्रिटिक की तरह देखने लगती है। बट हम लोग इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं जोड़ रहे हैं, आपको सिंपली इतना कह रहे हैं कि 7 जुलाई को बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, आप घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, तो आप कृपया करके 10:30 बजे टीवी के सामने बैठिए, और आपका इतना मनोरंजन होगा कि आपको लिटरली पकौड़े तल के खाने का मन करेगा। किसका? और ये तो खत्म करें। नहीं नहीं, मैं ले लूँगा। बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे लेकर एक नए किस्म का सीरियल लॉन्च हुआ है, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इसमें मैं एक मजाहिया किस्म का रोल कर रहा हूँ। कॉमेडी फर्स्ट टाइम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम पड़ाव है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनी साहब का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, उन राइटर्स का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर्स का, चैनल के सभी जो इस शो से संबंधित हैं, कि उन्होंने मेरे जैसे मुझ जैसी शख्सियत को ये रोल में सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ, एक कॉमेडी कर सकता हूँ। तो मेरे सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज रखा है, और ये उनका बड़ापन है। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से इस रोल को भी उतनी ही अच्छी तरह करूं कॉमिकली, कॉमेडी में, जिस तरीके से मैं अपने दूसरे रोल सीरियसली बाबूजी के करता हूं। बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत सीख रहा हूं, अपने जो जितने भी एक्टर्स हैं साथ में उनसे टिप्स ले रहा हूं, और बहुत काम तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही हो गया है। जो डायलॉग्स हैं वो इतने मजाहिया हैं, तो मेरा काम आसान हो गया है। लेकिन लोगों को देखकर, कुछ टीवी के प्रोग्राम्स देखकर, कुछ फिल्में देखकर, पुरानी फिल्में देखकर, जो हमारे कॉमेडियंस हैं उनकी उनकी कलाकारी देखकर थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। सी, एज एन एक्टर तो हम हमेशा हर रोल से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि हम बहुत प्यार से, बहुत ही ईमानदारी से वो काम करते हैं। तो जब वो काम ऑडियंस के सामने आता है और ऑडियंस भी उसे पसंद करती है, तो आपकी जितनी मेहनत है वो सफल हो जाती है। तो हर रोल की तरह इस रोल को भी हम उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही जितनी आप में कैपेबिलिटी है उससे करेंगे। बस एक बार ऑडियंस के सामने आ जाए, ऑडियंस भी इसे सराहे, तो हमारी जो कामयाबी है वो उस पर 4 चांद लग जाएंगे। So,
सी वॉट एवर जोक्स इंग्लिश में बोलो हिंदी में ऑन विश सो वॉट एवर जोक्स हैज बीन सर्कुलेटिंग अबाउट मी ऑन सोशल मीडिया हैव गिवन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू माई कैरेक्टर विच हैज इनहैंस्ड पीपल टू थिंक डिफरेंटली अबाउट मी एंड नोबडी एवर टिल नाउ थॉट ऑफ मी एज अ कॉमिक कैरेक्टर बट नाउ विद ऑल दीज जोक्स एंड ऑल आई एम getting different kind of roles and this serial is one example so I'm blessed it's a blessing in disguise for me thank you main saas hu aur main bahu hu aur hum main meethi hu aur ye namkeen khatti hai tikhi hai basu रबड़ी मेरा खांडवी कभी तीखी या ऐसी हो सकती है खांडवी टेढ़ी मेढ़ी होती है गोल 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 होती है लेकिन सीधी होती है और पतली होती है पतली ठीक है उसमें क्या हो गया ऐसी हर बात में वो मेरे साथ कंपटीशन करती है हर बात में वो मेरे जैसे बनने की कोशिश करती है मेरी कॉपी करती रहती है और घर में कोई काम नहीं करती है और तो मुझे उसे सुनाना तो पड़ेगा ही ना जैसा कि आपको सजन में झूठ बोलते हुए देखा गया था बिल्कुल तो इसमें भी उसी तरह किरदार है कुछ अलग तरह का जितना अच्छा लिखा जाएगा हम दोनों के लिए उतना अच्छा हम लोग परफॉर्म करेंगे अगर आप सजन रे झूठ मत बोलो को याद करेंगे तो हम दोनों के फेस पर वो स्माइल आ जाएगी इट वॉज सच अ वेल रिटन शो तो जितना अच्छा हम दोनों के लिए लिखा जाएगा उतना अच्छा हम लोग परफॉर्म करेंगे तो आपको अगर एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे जिस तरह से आप अभी कर रहे हैं यार शो और आपने जो सजन रे झूठ मत बोलो क्या डिफरेंस था दोनों में है तो मतलब इट्स अ वेल रिटन कॉमेडी शो उनके कैरेक्टर्स जो उसकी बात करेंगे तो उसमें वो हमारी मम्मी का किरदार निभा रही थी और हम सब भाड़ोत्री थे ये मेरी भाड़ोत्री बेटी थी हाँ यहाँ हम किसी और के किराएदार हैं लेकिन हम रियल ऑन स्क्रीन सास बहू हैं जी हाँ और दूसरा ये शो अलग उस तरह से है कि ये वन गो में शूट किया जाएगा और ड्रामा के जैसे एक दिन रिहर्सल करेंगे और दूसरे दिन पूरा का पूरा एपिसोड एक साथ में शूट करेंगे मल्टी कैमरा सेटअप के साथ तो वो हमारे लिए बहुत अलग और नया है और लोगों को उसमें स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडी जैसा भी लगेगा और एट द सेम टाइम एक स्टोरी भी चलेगी वो तो हमारा ज़्यादा लेट क्योंकि सास भी कभी बहुत ही का टाइम स्लॉट 10:30 था और पूरी दुनिया में वो देखा जाता था तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है प्राइम कॉमेडी एक पार्ट है तो ये आपको नहीं लगा कि कुछ जैसे वो सजन रे झूठ मत बोलो 9:30 था तो उस तरह के कुछ चेंजेस नहीं लगे आपको ये ख्याल से जैसे शो ऑन एयर आएगा और ऑडियंस देखेगी उसके बाद पता चलेगा कि कपिल आल्सो कम्स एट अ लेटर टाइम बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शोस बिल्कुल अगर हो तो ज्यादा ज्यादा डेफिनेटली फॉर्मेट बहुत ही अलग है लोगों को समझ में आ जाएगा उसके बाद में बहुत मजा आएगा एक तो ये तो मेरे बगल में होती है हमेशा और ये मेरे अगल में रहते हैं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मेरा व्यू पूरा ब्लॉक हो जाता है तो पता नहीं मेरे आसपास कौन बाकी अच्छे अच्छे कलाकार हैं अच्छे अच्छे किराएदार हैं और हमारे वो मालिक भी है लाल भाई और उनकी बीवी केसरी वो भी तो है हमारे अगल बगल में हम उनको निकालना चाहते हैं लेकिन वो रहते हैं वो मालिक है इसलिए नहीं बस ये एक एंटरटेनमेंट लोगों को बहुत मिले वैसा शो है उसके साथ साथ कुछ कभी कभी कुछ अच्छा सा मैसेज भी मिल जाए वैसा शो है तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस थिंग है शायद आपको हमारे किरदार से भी यही पता चलेगा कि सास बहू की नोकझोंक जो होती है वो भले ही खट्टी मीठी हो उसमें उसी का मज़ा है उस बात का ही मज़ा है तो उसे सीरियसली ना लिया जाए उस बात पर हंसा जाए तो लाइफ बहुत ही आप आसानी से काट सकते हो वही तो किया था अभी तो किया था करो आप अभी अभी तो अभी मैं इतनी थक गई हूँ लेकिन ये मेरी बहू है ना हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है हर बात में मेरे साथ कंपटीशन करती रहती है आप बैठी है आप थक कैसे सकती हैं आपका मेरे पीछे जो मैं उठाती हूँ ये पर्स भी मैंने उठाया हुआ है आप कैसे वो तो उसको पैसे सब अपने पास रखने होते हैं ना इसलिए पर्स उठा कर घूमती है अब दी है तो उठाने तो पड़ेगी
हाँ, हम लोग ने चार सीरियल बना चुके।